400 पार बीजेपी तड़ी पार। अच्छा, पार एक मिनट, 400 पार ये उनका जुमला है। हाँ, जैसे 15 लाख 2 करोड़, 15 लाख मिला, 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ कुछ हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो 400 पार ये एक जुमला है। हमारे नेताओं को जेल में डालने के बाद में भी ईडी और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिलता। हमारे नेताओं की और ईमानदारी का क्या सबूत लेंगे कि आपकी ईडी और सीबीआई 2-2 साल से हमारे ऊपर सुई के नोक के बराबर भी कोई भी भ्रष्टाचार का अपराध आपको नहीं मिला। कितनी ईमानदारी चाहिए आपको आम आदमी पार्टी की? यहाँ करो, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तानाशाही से सरकार नहीं चलती, सरकार संविधान से चलती है, लोकतंत्र से चलती है। जिस तरीके से सारी आज विपक्ष पार्टियां कह रही लोकतंत्र खतरे में, क्या लग रहा है? बिल्कुल एकदम लोकतंत्र खतरे में है। आप विधि पूर्वक इसको पूरी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से देश के हर कोने में पहुंचाने का काम करें। आज जो देश के कोने कोने से ये जो जनता यहाँ पर दिल्ली के रामलला मैदान के अंदर जो इकट्ठी हुई है, उन्हीं का एक ही ये संदेश है कि जिस तरीके से तानाशाही की रवैया की जो सरकार है, जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का जो काम करती है, और मोदी जी ने जो ये बीड़ा उठाया कि अंबानी और अडानी के ही परिवार को केवल पालना है, हिंदुस्तान का चाहे एक एक बच्चा बर्बाद हो जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंबानी और अडानी के यहीं से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा इकट्ठा करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को अंदर भ्रष्टाचार का आरोप भी किया है। बताइए कौन सा भ्रष्टाचार आरोप हुआ, उनके ऊपर सिद्ध हुआ, आप बताइएगा। 2-2 साल से हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया है, 2-2 साल से ईडी और सीबीआई चप्पे चप्पे पर जाकर उनकी छानबीन कर रही है। हमारे नेताओं को जेल में डालने के बाद में भी ईडी और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिलता। हमारे नेताओं की और ईमानदारी का क्या सबूत लेंगे कि आपकी ईडी और सीबीआई 2-2 साल से हमारे ऊपर सुई के नोक के बराबर भी कोई भी भ्रष्टाचार का अपराध आपको नहीं मिला? कितनी ईमानदारी चाहिए आपको आम आदमी पार्टी की? शराब घोटाला किया है। कौन सा शराब घोटाला? क्या मिला घोटाले में? ये घोटाला नहीं है, ये घोटालेबाजों का जो ये जो जुमलेबाजों का ये जो सरदार बैठा हुआ है, ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहा है। जो है वो पैसा दिया था और इनके नाम आ गया। हाँ तो लड़ रहे हैं, अब भ्रष्टाचार किसी और ने किया है और इसका नाम आ गया। लॉन्च करते हैं सब में भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी जो भी स्कीम लॉन्च करते हैं भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। आयुष्मान 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 उड़ीसा में है, आयुष्मान जो योजना है उसके लिए आज जब से ये योजना आई है आयुष्मान बीमा वाली, तब से इतने सारे अस्पताल खोले गए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो इसलिए खोले गए हैं कि आप उसमें फर्जी लोगों की बीमारियां दिखा के उससे पैसा लो, और आधा पैसा आप रखो आधा पैसा हमें दो। तो आयुष्मान घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो मोदी जी ने एक सेकंड मोदी जी ने आज तक जो भी स्कीमें लॉन्च करी हैं सारी घोटाले करने के लिए लॉन्च करी हैं। अभी इसका जो प्रमाण है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खुला है अभी, जिसमें 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने शराब घोटाले से बचने के लिए बाहर आने के लिए 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए हैं। जिसमें एक और पोस्टर देखिए पीछे है, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। केजरीवाल जी डर कैसे से? देखिए केजरीवाल एक आईआईटीएन है, इनकम टैक्स के ऑफिसर है, वो कोई चाय वाले के लड़के नहीं है। आदमी का नाम सुन के स्टैंडर्ड पता लग जाता है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूं नोएडा एरिया का। हमारे जो नेता है उन्होंने कोई शराब घोटाले नहीं है। ये रशिया और चाइना की तरह एक पार्टी का देश में राज चलाने वाली बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र के नाते बाकी लोगों को सारी की सारी जातियों को एक तरफ से अलग होने के नाते, हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश में दूसरी जातियों को इग्नोर कर दें। अब की बार इंडिया की सरकार आएगी और मोदी को हटाएगी, इतनी बात है। देखिए जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी पूरी की पूरी जो इतिहास है, उनकी जो जायजा जब इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, उनकी डिटेल्स आ रही है, पूरी प्रूफ के साथ में ये मिल रहा है कि सारा का सारा जो चंदा है, चंदा के नाम पे ये जो धंधा देने की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा बीजेपी वालों के पास में गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा जिसको पूरे सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित कर दिया। तो सबसे पहले ईडी और सीबीआई की जो जानकारी, उसकी जो रेड होना चाहिए वो तो भाजपा के ऊपर भी होना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में कैसे? देखिए जिस तरीके से एक एक करके पूरे विपक्ष के ऊपर में वो लोग अपना धावा बोल रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं, कहीं पे ईडी और सीबीआई ने कहीं पे बोला है कि ये चीज हम लोगों को मिला है, आज तक तो एक प्रूफ नहीं दिखा पाए। 2 साल से सत्येंद्र जैन जी जेल में पड़े हैं, वो कहीं लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भाई सरकारी संस्था सारी अपने तरीके से काम कर रही है। देखिए जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो एक समय में पुराने जैसे इंदिरा गांधी भी उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, या अभी भी जो मोदी सरकार जो लगा रही है, इंदिरा गांधी लगाई थी वो हरी थी, अब मोदी लगा बंदा चल रहे हैं, मोदी भी आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं मैं फिर आ रहा हूँ इस बार, कैसे आ जाएगा? चार नहीं आता, ढाई सौ नहीं है।
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। 400 पार ये उनका जुमला है। हाँ, जैसे 15 लाख मिला, 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो 400 पार ये एक जुमला है। 400 पार बीजेपी तड़ी पार। कह रहे मोदी के कारण जनता को कोई भी भरोसा नहीं है। आप मैडम ये बताओ, 60 साल पेंशन, 60 साल जिनकी उम्र हो गई है उनकी पेंशन बंदी है? बताओ लोग, बीजेपी में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं पेंशन बनी है 60 साल वाले इनकी? एक मिनट, हाँ कर देंगे, उनमें 2-10 साल में तो हुई नहीं है, अब क्या कर देंगे मोदी? भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अभी तक इनके शासनकाल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। ये इतिहास का ऐसा पहला गवर्नमेंट है जिसमें अब तक 70 बार पेपर लीक हुआ। आप बताइए, पेपर लीक कह रहे हैं पहले भी होते थे, पेपर लीक होते थे, इत्तिफाकन 100 में 1-2 और उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन इनका जो पेपर लीक हुआ है कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक करने कराने वाले कौन है? कोई कार्रवाई नहीं। जब इनका फॉर्म भरा जा रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसमें एक नोट लिखा हुआ था कि यदि पेपर लीक किसी कारणवश होता है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होगी। तो पेपर लीक तो होना ही था। लेकिन क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी और भरोसा है जनता का? भरोसा नहीं है। 10 साल से झूठ पे झूठ। क्या झूठ बोल दिया? क्या मिला है जनता को? मिला क्या देश में? 5 किलो अनाज, 200 रुपए का, 150 रुपए का कणक देते हैं 5 किलो। लोग मुरा कर नौकरी दे हमें। एक बात बताओ, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाए, दुकानदारों को आगे करे, ये तो मंदिर में घंटा बजाएंगे जब रोटी खाने को नहीं होगी। कह रहे हैं आत्मनिर्भर बने, बैंकों से लोन ले, अपना रोजगार करें। लोन तो ये ले रहे सारा नोट इकट्ठा करके विदेशी झोला लेके भाग जाएंगे। तो मोदी जी कह तो रहे भैया, हाँ झोला लेके भाग जाए, कह तो रहे मोदी जी, लेकिन जनता जाने नहीं दे रही। जनता कहाँ जाने दे, ये तो टाइम बताएगा, लोकसभा का इलेक्शन बताएगा, ये तो वो नहीं जाएगा। हाँ हमें सब कुछ मिल रहा है उसका। अच्छा, हाँ जी फिर आएंगे कह रहे हैं। आ गया, वो आ गया समझो, दावे से हम कह रहे हैं आएगा।